सो गाइस देश का मेल एंड योर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज किस वीडियो पर मैं आपको दिखाया बीटा वीडियो एडिटिंग ऐप में आप अपने वीडियो को कलर ग्रेडिंग कैसे कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो बीटा एप्लीकेशन में बैकग्राउंड कलर चेंज कैसे कर सकते हो वीडियो का। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना और सीधे चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आज को बीटा वीडियो एडिटिंग ऐप में। तो बीटा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा देखने के लिए, और अगर आपके पास वीडियो ऐप नहीं है तो इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां पर आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां से अपना वीडियो ऐड करेंगे। सबसे पहले जिस वीडियो को आप कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो, तो मैं अपना वीडियो यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा वीडियो जो है आ चुका है बीटा वीडियो एडिटिंग ऐप के अंदर। सो यहाँ से आप अपना जो वीडियो उसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आइकन मिलता है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो टाइम लाइन है कुछ ऐसा बन जाएगा, तो आपके लिए एडिटिंग करना आसानी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो मोर का ऑप्शन मिलता है इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एडजस्ट, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना जो वीडियो उसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। और ये मिलता है फिल्टर, फिल्टर के ऊपर क्लिक करके आप अपने वीडियो पर कलर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो आपको राइट पे स्क्रॉल करना है, बहुत सारा कलर इफेक्ट मिलता है, जो भी कलर इफेक्ट आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कलर इफेक्ट अप्लाई करके आपको दिखाया था, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये कुछ इस तरीके से हमारे वीडियो पर अप्लाई हो चुका है। ये आप देख सकते हो बिफोर कुछ ऐसा था हमारा वीडियो और आफ्टर कुछ ऐसा बन चुका है। उसके बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हो एंड इसको भी अप्लाई कर सकते हो। और इस तरीके का आपको यहाँ पर जो है काफ़ी सारा कलर इफेक्ट मिलता है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसे अप्लाई कर सकते हो। सो मैंने जो इसको अप्लाई कर लिया बिफोर और ये रहा आफ्टर। और आपको यहाँ पर ब्लॉग का ऑप्शन मिलता है, आप अपनी ब्लॉग वीडियो को कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर पोर्ट्रेट मिलता है, कलर ग्रेडिंग के साथ साथ आप अपनी वीडियो के अंदर जो भी मॉडल रहेगा उसका जो फेस एंड जो स्किन उसको आप स्मूथ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको मिलता है फूड, इसके अलावा ब्लैक एंड व्हाइट मिलता है। तो इस तरीके का आपको यहाँ पर काफ़ी सारा जो है कलर इफेक्ट मिलता है। सो जो भी कलर इफेक्ट आपको अच्छा लगता है उसे अप्लाई कर सकते हो अपनी वीडियो पर। ये आप देख सकते हो आपको यहाँ पर ढेर सारा कलर इफेक्ट मिलता है, कुछ इस तरीके से अभी अप्लाई कर सकते हो अपनी वीडियो पर। सो मैंने इसको अप्लाई किया, ठीक है। इसका जो अमाउंट है पूरा फुल कर लेते हो 100%। और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे टिक मार्क ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी आपको आ जाना है एडजस्ट पर। एडजस्ट पर आने के बाद आपको ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट मिलता है, सबको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं सेचुरेशन को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो सेचुरेशन का अमाउंट अराउंड हम यहाँ पर रख लेते हैं इतना परसेंट, 25% कर लेते हैं। सो 25% कर लिया। और शार्पन को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलते हैं, इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड या फिर आप अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक करके आप जैसा भी इफेक्ट को एक साथ में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसको कर देंगे डन, ठीक है। सो डन करने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो यहाँ पर कलर ग्रेडिंग हो चुका है। कुछ इस तरीके से आप अपनी वीडियो पर कोई भी कलर इफेक्ट डाल सकते हो बहुत ही इजीली। सो कुछ इस तरीके से आप जो कलर ग्रेडिंग कर सकते हो अपनी वीडियो को। तो अभी हमें अपना जो वीडियो उसको सेव करना है, तो इसके लिए आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो है सीधा आपकी गैलरी पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।